हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और मेरा नाम रोहित है और आज का टॉपिक है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, प्लेलिस्ट में जाके देखते जाओ, सीक्वेंस में सारी चीज़ें। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन ये वाला पढ़ा था हमने। तो कॉम्बिनेशन का एग्जैक्टली अपोजिट होता है डीकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा था हमने, क्विकली हम जल्दी से रिवाइज भी कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने ये पढ़ा था, नाम में ही आपको देखना चाहिए कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना। तो इसमें क्या होता था, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होते थे, ये दोनों आपस में रिएक्ट होके और एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाता था। ये होता था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। ये दोनों मतलब इसको आसान भाषा में आप ऐसे समझ सकते थे कि दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे कि मैंने बोला उसका एग्जैक्टली अपोजिट है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में पता क्या होगा, ये ब्लू से बता रहा हूँ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ये होगा। इसमें कम्बिनेशन में क्या है, दो कंबाइन हुए एक प्रोडक्ट बन गया। डीकम्पोजिशन में क्या होगा, आपका रिएक्टेंट एक होगा और वो ब्रेक होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा। मतलब एक रिएक्टेंट होगा और वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। तो देख लो ये एग्जैक्टली अपोजिट हो गया। यहाँ पर दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनता था कॉम्बिनेशन में, और डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट टूट के मतलब सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाता है दो प्रोडक्ट की। समझ लो डिफरेंस, समझ गए कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन में। तो अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें डिकम्पोजिशन की तो क्या होगी, तो ये है डेफिनेशन। तो पढ़ो डेफिनेशन, अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट सिंगल रिएक्टेंट सॉरी अ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंगल रिएक्टेंट होता है, तो ऐसे कोई सिंगल रिएक्टेंट होता है, ये ब्रेक डाउन होता है इसके अंदर और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाते हैं। इस तरीके की रिएक्शन जो बनती है उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन को। अच्छा, डेफिनेशन समझ गए आप, और आपको ये भी पता चल गया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जैक्टली अपोजिट है। कॉम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनता था, डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट में कुछ रिएक्शंस होके और वो दो सिंपलर फॉर्म के प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यार, अब देखो एक सेकंड, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बना दे रहा है, ये एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बन रहे हैं इस एक से। तो इसका मतलब ये जो रिएक्टेंट है इसमें इसमें कुछ ये ब्रेक होके तो दो बन रहे हैं भाई। ये जो रिएक्टेंट है इसमें कुछ ये टूट के ही, तो आसान भाषा में ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इसको तोड़ने के लिए या इसके अंदर वो रिएक्शन करने के लिए कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी चाहिए होगा भाई। अपने आप तो नहीं टूट जाएगा कोई भी रिएक्टेंट या कोई भी कंपोनेंट, तो कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी चाहिए होगी इसको तोड़ के ये दो प्रोडक्ट बनाने में। इसमें से एक सिंगल रिएक्टेंट में से दो प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी तो चाहिए। तो वो उस फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी की वजह से ये टूट के दो प्रोडक्ट बनेंगे, उसकी वजह से कुछ अलग अलग नाम होते हैं। तो देख लो भाई क्या क्या नाम होते हैं और क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो आ गया नेक्स्ट पेज। हाँ, ये आ गया। ठीक है जी, तो जो सबसे पहला नाम आता है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब क्या होता है पता तुम्हें, मतलब अगर एक बार आप समझो ना, मतलब मतलब के अंदर ही, टाइटल के अंदर ही पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन छुपा होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये जो वर्ड है ना थर्मल, थर्मल मतलब होता है हीट, थर्मल थर्मल मतलब होता है हीट। तो इसका मतलब इस वाले थर्मल डिकम्पोजिशन में ये जो रिएक्टेंट हम बोल रहे हैं कि एक रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना देता है, तो जो फॉर्म ऑफ एनर्जी इस रिएक्टेंट को तोड़ेगी वो इस केस में हीट होगी। थर्मल डिकम्पोजिशन के केस में जो इस रिएक्टेंट को तोड़ के दो प्रोडक्ट बनाएगी, वो जो फॉर्म ऑफ एनर्जी चाहिए ना उस रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, अपने आप तो कोई चीज टूटेगी नहीं, तो ये जो कंपोनेंट है इसको तोड़ने के लिए जो फॉर्म ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, वो जब अगर हीट होती है तो हम कह देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कह देते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसका एग्जाम्पल भी देख लो, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है कि एक सिंगल प्रोडक्ट सिंगल रिएक्टेंट है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अंदर हमने फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज की हीट, ये हीट हीट यूज की, तो इसने इस कैल्शियम कार्बोनेट को दो प्रोडक्ट या दो सिंपलर फॉर्म में तोड़ दिया। कौन कौन से सिंपलर फॉर्म, एक बनाई कैल्शियम ऑक्साइड और एक बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है ये एक तरह से डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। देख लो, एक रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है और ये दो प्रोडक्ट बन गए, है ना।
ये डिकम्पोजिशन तो है, और किस टाइप की डिकम्पोजिशन है ये भी बता दो। इसमें हीट यूज हो रही है फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, समझ लो। तो ये आपको याद होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट हीट होके, उसके अंदर हीट एनर्जी हमने यूज की, इसको कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, तो ये टूट के दो प्रोडक्ट बन गए, एक बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, एक बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ध्यान रख लो, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और इसका नाम होता है, कॉमन नेम होता है इसका क्विक लाइम, क्विक लाइम, ठीक है। बाय द वे कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन। और ये जो ये वाली जो थर्मल डिकम्पोजिशन है, ये आपके इंडस्ट्रीज में बहुत यूज होती है, क्योंकि ये जो क्विक लाइम होता है ये आपके सीमेंट बनाने में इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन को हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम कैल्शियम ऑक्साइड बना देते हैं, यानी कि क्विक लाइम बना देते हैं, और ये CO2 जनरेट होती है जो कि एक गैस है, ठीक है। तो आपको डिकम्पोजिशन पता चल गया, और डिकम्पोजिशन का पहला सब पार्ट मतलब उसके अंदर का पार्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन, और थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब जो हीट एनर्जी जब रिएक्टेंट को तोड़ के दो प्रोडक्ट को बनाती है, तो उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, और थर्मल का मतलब ही होता है हीट, ठीक है। चलो और एग्जाम्पल्स देखते हैं जल्दी जल्दी, चलिए गाइस एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब, थर्मल मतलब हीट फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी यूज हो रही है रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए, हीट एनर्जी। तो एक और एग्जाम्पल है आपका कि आपके जो फेरस सल्फेट होते हैं ना, फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन होके आपको बना के देगा एक तो फेरिक ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, और बना के देगा सल्फर डाइऑक्साइड, डाई दो ऑक्सीजन है ना इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड, डाई मतलब टू, और क्या बना के देगा, प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये देखो तीन ऑक्सीजन है इसलिए इसका नाम है ट्राइऑक्साइड। तो ये भी आपका एक तरीके का डिकम्पोजिशन ही है। देख लो आप डिकम्पोजिशन क्यों है, सिंगल रिएक्टेंट है और इसने देख लो कितने सारे प्रोडक्ट बना दिए, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 और प्रोडक्ट 3, तो ये डिकम्पोजिशन तो है। और डिकम्पोजिशन में भी किस टाइप की डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्यों, क्योंकि इसमें हीट एनर्जी यूज हुई है इसको ब्रेक डाउन करके ये सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए, और थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, ये सब आपको एग्जाम्पल्स जो मैं बता रहा हूँ इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको याद भी होने चाहिए। तो ये FeSO4 का नाम क्या है, ये सब फेरस सल्फेट है, ये ब्रेक डाउन किस में हुआ, फेरिक ऑक्साइड, एक तो फेरिक ऑक्साइड, और ये है सल्फर डाइऑक्साइड, दो ऑक्सीजन है इसलिए डाई ऑक्साइड, और ये तीन ऑक्सीजन इसलिए सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है आपका सल्फर ये एग्जाम्पल है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन का, ठीक है। डिकम्पोजिशन समझ गए, और उसके अंदर भी थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी से हमने रिएक्टेंट को तोड़ के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है। अब आगे देखते हैं भाई, चलिए एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको थर्मल डिकम्पोजिशन का, यही दिखा देता हूँ। इसमें क्या होता है, एक आपका सिंगल रिएक्टेंट है जिसका नाम है लेड नाइट्रेट, यह है लेड नाइट्रेट, इसको हम हीट करेंगे, तो ये भी हीट कर रहे हैं तो फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट यूज हो रही है, यानी ये भी एक तरह का थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो ये लेड नाइट्रेट एक रिएक्टेंट, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये एक तो बनाता है आपका लेड ऑक्साइड, एक बनाता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दो ऑक्सीजन है इसलिए डाइऑक्साइड, और एक बनाता है आपका ऑक्सीजन। तो देख लो ये जो व्हाइट से मैंने लिखा है, ये भी एक तरीके का डिकम्पोजिशन ही है, सिंगल रिएक्टेंट, नोटिस कर पा रहे हो ना। और ये देख लो प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, यानी एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना दे रहा है, यानी कि डिकम्पोजिशन है, और डिकम्पोजिशन में भी थर्मल डिकम्पोजिशन है, क्योंकि जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हमने यूज किया है इस रिएक्टेंट को तोड़ के सिंपलर फॉर्म में करने के लिए, वो है हीट, और हीट मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये अब ये बैलेंस नहीं है तो इसको थोड़ा सा बैलेंस भी कर लो, कैसे बैलेंस होगी, ये यहाँ पर PV के दो हैं तो यहाँ दो होंगे, ये बैलेंस करना मैं सिखाऊंगा, इस पर अभी आप ज़्यादा फोकस मत करो, ठीक है। बैलेंस करने के हम अलग से स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये आई थिंक 4 हो जाएगा, ठीक है। ये बैलेंस में, ये नंबर ऑफ आइटम्स में, इस पर कन्फ्यूज मत हो, अभी सिर्फ आप डिकम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट समझो, ये बैलेंस करना एक ही वीडियो में मैं मस्त से सिखा दूंगा आपको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिकम्पोजिशन में ही, जब हम फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, अभी तक हम फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन सी यूज कर रहे थे ब्रेक डाउन करने के लिए रिएक्टेंट को, हीट, तो हीट कर रहे थे तो हम बोल रहे थे थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए सिंपलर फॉर्म में, या दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस,
नाम में छुपा है ना, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिसिस। चलो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। चलिए गाइस, तो इलेक्ट्रोलिसिस मतलब पहले पढ़ लो इसका क्या है। द रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब पिछले हम थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या कर रहे थे, बेसिकली डिकम्पोजिशन क्या होता है वो तो आपको पता है कि एक रिएक्टेंट को तोड़ के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में बना देते हैं, ये है डिकम्पोजिशन। पर वो जो रिएक्टेंट तोड़ेंगे वो किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में तोड़ेंगे उसके हिसाब से भी अलग अलग नाम आ रहे हैं। जैसे अगर हम हीट एनर्जी से तोड़ रहे थे तो हम बोल रहे थे थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ेंगे तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो उस तरीके की डिकम्पोजिशन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पता क्या है, पानी। पानी का मॉल, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। पानी के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक करंट डालें इलेक्ट्रोड्स की मदद से, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगा, हाइड्रोजन को अलग कर देगा और ऑक्सीजन को अलग कर देगा। तो देख लो, अगर आप ठीक से देखो तो ये डिकम्पोजिशन तो हो ही गया, और किस टाइप का डिकम्पोजिशन हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है इसमें ये तोड़ने के लिए। तो आप पहले तो ये देख लो, एक रिएक्टेंट है और इसने दो प्रोडक्ट बना दिया, तो डिकम्पोजिशन तो यही। और बाकी बैलेंस वाला काम मैं आप पे कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा आपको, ठीक है, ये बैलेंस भी है। तो ये भी एक आपका इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल है। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो ऐसे होता है, ये समझ गए ना आप, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस का अगर मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेन करूं तो ऐसे होता है, मान लो एक बीकर है, इसमें पानी डाल दिया, ठीक है, पानी है, पानी हो रहा है ना रिएक्टेंट, तो क्या करेंगे, पानी डाल दिया, अब इसमें ना ऐसे दो ऐसे उल्टी करके ऐसे टेस्ट ट्यूब डाल देंगे, ऐसे टेस्ट ट्यूब, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसे एनोड और कैथोड ऐसे कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट करके उसको ऐसे बैटरी वोल्ट से, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के लिए ऐसे कनेक्ट कर दिया दोनों टेस्ट ट्यूब को। अब क्या होगा, इन टेस्ट ट्यूब में ना ऐसे गैस बनेगी, ऐसे गैस अलग अलग, तो एक में से मान लो हाइड्रोजन निकल रहा होगा, जैसे ये वाली हाइड्रोजन, और एक में से ऑक्सीजन निकल रहा होगा ये। तो ये देख लो, ये जो पानी है यही पानी टूट रहा है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में, वही तो हो रहा है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के फॉर्म में ये पानी टूट रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट ऐसे किया जाता है, इसको मैं डिटेल में और समझा दूंगा। यहाँ पर मुद्दा ये है कि आपको ये समझ आना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है, मतलब कि एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज करते हैं इस प्रोडक्ट, इस रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए। जैसे इस केस में वाटर जो रिएक्टेंट वो यूज हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट, इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी जो हम रिएक्टेंट को तोड़ के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने में यूज करते हैं वो होती है लाइट। ये देखो, फोटो मतलब लाइट, लाइट एनर्जी, या तो इसका नाम होता है फोटोलिसिस या फिर बोल लो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट, और डिकम्पोजिशन तो हम पढ़ ही चुके हैं। डिकम्पोजिशन मतलब एक रिएक्टेंट ब्रेक होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। और ये जो रिएक्टेंट को जो ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है, अगर वो लाइट एनर्जी है तो हम बोलेंगे उसको फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, एक ही बात है। ठीक है, तो इस बार लाइट एनर्जी यूज होगी। तो लाइट का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, सनलाइट, सनलाइट ही है ना। तो जब लाइट एनर्जी यूज होगी और वो एक रिएक्टेंट को तोड़ के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, तो उसको हम बोलेंगे या तो फोटोलिसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम्पल जितने भी बता रहा हूँ ना ये सारे याद हो जाने चाहिए आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक भी फालतू का एग्जाम्पल नहीं है, यही सारे आएंगे क्वेश्चंस पेपर में। तो सनलाइट यानी लाइट एनर्जी यूज करके जब रिएक्टेंट को जो तोड़ता है, यानी कि फोटोलिसिस का एग्जाम्पल सबसे बड़ा ये है कि अगर हम क्या बोलते हैं आपका सिल्वर क्लोराइड लें, यह है सिल्वर क्लोराइड AgCl, चलो दूसरे कलर से लिखते हैं, सिल्वर क्लोराइड AgCl, यह है सिल्वर क्लोराइड, और इसको अगर हम सनलाइट में रख देते हैं, तो हमने सनलाइट में रख दिया कुछ दिनों के लिए, छोड़ दिया इसको, तो आप देखोगे कि सिल्वर अलग होता जाएगा उसमें से और क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो देख लो, डिकम्पोजिशन तो ये है क्योंकि एक रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो डिकम्पोजिशन तो है, पर किस टाइप का डिकम्पोजिशन है, क्योंकि सनलाइट यानी कि लाइट एनर्जी यूज हुई है इस रिएक्टेंट को तोड़ के दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए, लाइट एनर्जी यूज हुई है, इसलिए इसको हम बोलेंगे फोटोलिसिस या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटो मतलब ये होता है लाइट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप अगर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊं तो ऐसा होता है, मान लो आपने कोई चाइना डिश ली, आपके केमिस्ट्री लैब में होती है ना चाइना डिश, वो ली और इसमें आपने सिल्वर क्लोराइड
डाल दिया, सिल्वर क्लोराइड, ऐसे सिल्वर क्लोराइड ये, और इसको है ना ऐसे सनलाइट में आपने छोड़ दिया कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए जो भी। तो आप देखोगे कि जो सिल्वर क्लोराइड, ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना, ये थोड़ा ग्रेश कलर का होता जा रहा है, ग्रेश कलर का, ऐसे ग्रेश कलर का होता जा रहा है। ये ग्रेश कलर का इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें से सिल्वर अलग होती जा रही है। अभी तो ये सिल्वर क्लोराइड है, पर सिल्वर अलग होती जा रही है इस लाइट एनर्जी की वजह से, सनलाइट से जो आ रही है लाइट एनर्जी, इसकी वजह से सिल्वर अलग होता जा रहा है और क्लोरिन अलग होता जा रहा है। तो जो सिल्वर कलर है ये सिल्वर का आ रहा है और फिर क्लोरिन का अलग हो रहा है। तो बेसिकली बात यह है कि लाइट एनर्जी यूज करके सिल्वर क्लोराइड में से हम सिल्वर और क्लोरीन दोनों अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं, एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल देख लो, लास्ट एग्जांपल फोटोकेमिकल या फोटोलिसिस का, वो है आपका जैसे अभी हमने पढ़ा सिल्वर क्लोराइड, तो एक और एग्जांपल होगा आपका, एक और एग्जांपल आपका हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। सेम ही है बात, ये मान लो ये सिल्वर, एजी सिल्वर, और ये ब्रोमाइड, वही सनलाइट एनर्जी यूज की हमने सिल्वर ब्रोमाइड को तोड़ने के लिए, तो सिल्वर अलग हो जाएगा इसमें से और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। ये बैलेंस का खेल अभी बाद में समझना। तो ये भी एक तरीके का एग्जाम्पल है, ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन में। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन तो ये है, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट, यानी कि डिकम्पोजिशन है। और किस तरीके की डिकम्पोजिशन है, सनलाइट यूज हो रही है इस रिएक्टेंट को तोड़ के दो प्रोडक्ट बनाने के लिए, यानी कि फोटोलिसिस, फोटोलिसिस। और दूसरा नाम क्या है इसका, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये था पूरा खेल डिकम्पोजिशन का। तो जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया ये आपको सारे याद होने चाहिए, और बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि डिकम्पोजिशन क्या होता है। डिकम्पोजिशन वो होता है जब एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। और वो जो रिएक्टेंट टूटता है वो किस किस फॉर्म ऑफ एनर्जी से टूटता है, अगर हीट से टूटेगा तो थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से टूटेगा तो इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे, और अगर जैसे इस केस में सनलाइट यानी कि लाइट एनर्जी से टूटेगा तो फोटोलिसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये था पूरा निचोड़ आपका डिकम्पोजिशन का। इसमें जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं सारे याद होने चाहिए, वो कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ आना चाहिए होपफुली। और अगर कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन तो आपके लिए है ही बिंदास, उसमें पूछ लो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आराम से पढ़ो रिलैक्स होके, टेंशन नहीं लेने की, रिलैक्स होके पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ आएगा। नहीं ओके, मैं वीडियो लंबी खींच रहा हूँ फ्री फंड में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।